on my YouTube channel. I hope you are good. तो गाइस आज आपको मेरी बोल थोड़ी खाली खाली सी लग रही होगी क्योंकि मैंने सारे जो क्राफ्ट थे पीछे बोल पे वो सारे मैंने हटा दिए क्योंकि आज हम बनाएंगे न्यू बोल डेकोर। तो ये वाला जो बोल डेकोर मैं बना रही हूँ ये मैंने ऑनलाइन देखा था बट मुझे इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी तो मैंने इसको बाय नहीं किया। मैंने फिर सोचा क्यों नहीं मैं तो इसे घर पे बना सकती हूँ कार्डबोर्ड से। तो मैंने मेरे घर पे जितने कार्डबोर्ड थे वो सारे इकट्ठा करके और ये वाला वॉल डेकोर बनाया है। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आता हो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो नया डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच। सो गाइस आज का फर्स्ट DIY हम बनाएंगे वॉल डेकोर। जो मैं वॉल डेकोर यहाँ बना रही हूँ वो वाला वॉल डेकोर मैंने ऑनलाइन देखा था एंड उसकी प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लगी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं तो जब इनको घर पे बना सकती हूँ इतने प्राइस उस वाले वॉल डेकोर के लिए क्यों दूँ। एंड मैंने कुछ यहाँ पर राउंड सर्किल में कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर 8 डिफरेंट साइज़ में राउंड सर्किल में कार्डबोर्ड कट किए हैं एंड मैंने उस पर मास्किंग टेप भी लगाई है ताकि वो एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाए। तो अब मैं ले रही हूँ गिफ्ट रैपरिंग पेपर जो आपको मार्केट में इजीली 10 रुपीज़ में मिल जाएंगे। मैंने भी ये पेपर 10 रुपीज़ में बाय किया है एंड आज मैं जितने भी पेपर यूज करूँगी वो सारे पेपर मैंने ऑफलाइन बाय किया है क्योंकि गाइस ऑफलाइन में उनकी प्राइस कम रहती है और ऑनलाइन में ज़्यादा प्राइस रहती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन ख़रीदना ही पसंद करती हूँ एंड मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी ऑनलाइन जब कोई चीज़ बाय करो तो उसको पहले देखा करो कि उसकी प्राइस क्या है एंड ऑफलाइन में प्राइस क्या है उसकी। कार्डबोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 8 डिफरेंट कलर में पेपर को कट कर लिया है एंड गाइस ये सारे पेपर गिफ्ट रैपरिंग वाले पेपर है। अब मैं लूँगी यहाँ पर एक बावल एंड कुछ फेविकॉल की ट्यूब जो मैंने 5-5 रुपये में बाय की थी एंड अब मैं इनको कट करके इनमें से सारा फेविकॉल निकाल के इस बावल में डाल लूँगी क्योंकि गाइज मुझे थोड़ा पतला घोल चाहिए था और ये थोड़ा गाढ़ा घोल था जिससे क्या है कि मैं थोड़ा यहाँ पर फेविकॉल सेव करना चाहती थी एंड इनको मिक्स करना है दोनों को पानी एंड ग्लू को। फिर एक आपके अकॉर्डिंग घोल को देख लेना कि वो थोड़ा सही है मीडियम साइज़ का रखना ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जो घोल हमने बनाया था उस घोल को इस कार्डबोर्ड पे डालते जाना है एंड इसको फैलाते जाना है फिर से डालते जाना है फिर से फैलाते जाना है ऐसे करके आपको सारे कार्डबोर्ड पे ग्लू अप्लाई करना है ताकि जो पेपर है वो अच्छे से स्टिक हो सके। सारे कार्डबोर्ड पे ग्लू अप्लाई करने के बाद जो हमने पेपर को कट किया है वो इन पे स्टिक करना है। मैंने सारे पे वहीं किया है एंड इस पे कुछ लाइनें पड़ गई थी ग्लू अप्लाई करने के बाद तो मेरे पास ये एक ATM रखा था तो मैंने पुराना इससे ही इस लाइनें को रिमूव कर दिया एंड सारे कार्डबोर्ड एंड पेपर के साथ मैंने यही किया है ग्लू अप्लाई कर दिया और उन पेपर को उन पे स्टिक कर दिया। मेरे पास ये ब्राउन कलर का पेपर रखा हुआ था तो मैं उसे यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ये जो कार्डबोर्ड है जो वॉल डेकोर हम बना रहे हैं वो पीछे से भद्दा ना लगे इसके कारण हमें पीछे कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जिससे वो अच्छा लुक दे पीछे से भी। तो मैंने यहाँ पर सारे कार्डबोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग पेपर को कट कर लिया है और 1x1 करके उनको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है। अब मैं लूँगी वूल जो मेरे पास रखी हुई थी। ये जो वॉल है उसके चारों तरफ मुझे खाली खाली सा लग रहा था
तो मैंने फिर सोचा क्यों नहीं इसके कुछ ऐसी चीज़ लगाया जाए जिससे कुछ अच्छा लुक दिखे। तो मेरे पास ये अभी यहीं रखी हुई थी तो मैंने उसी का यूज कर लिया। आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ग्लू की हेल्प से इस जो ये कार्डबोर्ड है इसके चारों तरफ आपको ये लगानी है बस। और गाइस आपको सभी पर वार्निश जरूर अप्लाई करना है अगर आप लंबे समय तक इन वॉल डेकोर को यूज करना चाहते हो। मैंने भी सभी पर वार्निश अप्लाई किया है ऑफ कैमरा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको ऑफ कैमरा अप्लाई किया है क्योंकि मैं इन्हें लंबे समय तक यूज करना चाहती थी। मैंने इनको वॉल पर स्टिक करने के लिए यहाँ पर डबल साइडेड टेप का यूज किया है एंड अगर आप और कोई टेप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। एंड अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। सेकेंड DIY के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर दो मिठाई के बॉक्स। दूसरा भी हम वॉल डेकोर ही बनाएंगे क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्राफ्ट बना लिए लेकिन वॉल डेकोर का आई थिंक अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं ये वाला वीडियो वॉल डेकोर के लिए ही रखते हैं। तो आपको बस क्या करना है कि ये जो बॉक्स है इसके जो पीछे वाला हिस्सा है इनको कट कर लेना है सभी। ग्लू की हेल्प से मैंने यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बंद कर दिया है। एक्स्ट्रा सिक्योर के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का भी यूज किया है। अगेन यहाँ पर ग्लू की हेल्प से दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ देंगे। अब हम इन बॉक्स पे अपनी कलाकारी दिखाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर कलर का यूज किया है एंड ये कलर मैंने खुद बनाए हैं एक्रेलिक कलर को मिक्स करके। मैंने यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लैक कलर का यूज करके ये वाला कलर बनाया है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हो, मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने इस कलर को यहाँ पर यूज किया है। और हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, बस कलर को करते जाना है करते जाना है करते जाना है और लास्ट में वार्निश जरूर अप्लाई कर देना। गाइस मैंने इस पर किया है, वीडियो लंबा होने के कारण मैंने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया है वीडियो से। लो भाई हमारी वॉल सेल्फ बनके रेडी है तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। आई होप आपको दोनों आइडिया पसंद आए होंगे एंड सबसे ज़्यादा आपको कौन सा आइडिया पसंद आया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड शॉर्ट तो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो फिर मिलते हैं।